अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने आप को और अपनी फैमिली को सबको सेफ रखा होगा। आज फिर हम एक इंटरेस्टिंग लाइव सेशन में आपके साथ शामिल हैं। इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हायर वॉशिंग मशीन कैसे एक नंबर वन ब्रांड है और कैसे आप इसको आगे कम्युनिकेट कर सकते हो अपने कंज्यूमर को कि हायर क्यों बाकी कंपेटिटर से बेहतर है। जैसे कि पिछले काफ़ी सेशन से हम ये काम करते हैं, लेकिन आज उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ चीज़ों को हैमरिंग करेंगे, दोबारा बताएंगे ताकि आपके जहन में एक बेहतर इमेज बन सके कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है। तो नंबर वन, अगर आपसे कोई ब्रांड के बारे में पूछे कि हायर वॉशिंग मशीन क्या है और कैसा ब्रांड है, तो आप उसे बता सकते हैं कि जी पिछले 11 साल से हायर वॉशिंग मशीन नंबर वन ब्रांड है ग्लोबली। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी वॉशिंग मशीन सेल होती हैं उसके अंदर हायर की सेल्स क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। पिछले 11 साल से हायर इज़ नंबर वन, जिसको हम प्रमोट भी करते हैं ग्लोबल नंबर वन स्टिकर लगा के। ठीक, सेकंड चीज़ जो आप आउटलुक या POP के ज़रिए बता सकते हैं किसी भी मशीन के बारे में, वो है इसकी 10 साल की मोटर वारंटी। इसका मतलब ये है कि मशीन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काम करने वाली है वो है उसकी मोटर, सेकेंड पार्ट है उसका PCB। तो मोटर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारी तमाम वॉशिंग मशीन में जितने भी फ्रंट लोड या टॉप लोड मशीनें हैं उनकी मोटर वारंटी 10 साल है। तो 10 साल के लिए आपको मशीन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी मशीन के जो मोटर है उसको कोई मसला होगा या कोई और उसमें इशू क्रिएट होगा। तो 10 साल तक इसकी वारंटी है और आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोटर की वारंटी की बात की तो उसकी क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। हायर वाहिद कंपनी है जो कि मोटर के अंदर कॉन्टीन्यूस इनोवेशन लेके आ रहा है। नॉर्मल मोटर टॉप लोड में यूज़ की जाती थी, उससे इन्वर्टर मोटर बनी जिसके अंदर फ्रिक्शनल पार्ट बहुत कम होता है, नॉइस उसकी रिड्यूस हो जाती है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये इन्वर्टर मोटर बना, और उससे भी नेक्स्ट स्टेज जो हायर ने मुतारिफ करवाई है वो है DD मोटर, डायरेक्ट ड्राइव मोटर। यानी कि मोटर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ड्रम के साथ, जिससे उसकी पावर, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और नॉइस और वाइब्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हायर एक टॉप का ब्रांड होने की रीजंस उसकी क्या हैं, ये आप अपने कंज्यूमर को बता सकते हैं कि जी हायर ने वॉशिंग मशीन के अंदर डेवलपमेंट की है, हायर कंटिन्यूस इनोवेशन लेके आता है और आपकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ बनाता है। ये तो होगी टेक्नोलॉजी। अब जो काम मशीन ने एक्चुअली करना है वॉशिंग का, उसके अंदर वॉशिंग मशीन हायर किस तरह से बेहतर है। तो अगर इंटरनल वर्किंग के अंदर जाएं तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा वो हैंड वॉश टेक्नोलॉजी, उसके बाद पिलो ड्रम, लिंट फिल्टर्स। सिर्फ आज तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि ये तीन चीज़ें क्या हैं, इससे कैसे वॉशिंग इम्प्रूव होती है और कंज्यूमर को इसका क्या बेनिफिट है। तो नंबर वन, अगर हम बात करें अपने हैंड वॉश टेक्नोलॉजी की, तो हैंड वॉश टेक्नोलॉजी में क्या है कि पुलसेटर एक तरफ मूव करता है, ड्रम उसको फॉलो करता है, इतनी देर में पुलसेटर वापस आ जाता है, जिससे कि ये एक इफ़ेक्ट पैदा होता है जो कि हाथ से रगड़ लगाने वाला एक इफ़ेक्ट है, जिससे कपड़ों की वॉशिंग इंप्रूव हो जाती है। तो ये हैंड वॉश के ज़रिए कपड़े वॉश किए जाते हैं हायर की मशीन में, तो उसकी वॉशिंग नॉर्मल वॉश से बेहतर होती है। और करंटली हमारी एक प्रमोशन भी चल रही है 85-1708 सीरीज़, जो कि हैंड वॉश टेक्नोलॉजी के साथ है, उसके ऊपर प्रमोशन चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त प्राइस है। अगर आप वो भी कम्युनिकेट करें अपने कंज्यूमर को तो उसका भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये एक ओवरऑल व्यू था कि हायर वॉशिंग मशीन अगर नंबर वन ब्रांड है तो क्यों है। जो कंज्यूमर आपके पास आएगा आप उसे ये सारी बातें बता सकते हैं, जिससे उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ, अगर मैं वॉशिंग मशीन ले रहा हूँ हायर की तो उसमें क्या खास चीज़ें। इसके बाद थोड़ा सा लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम हर दफ़ा करते हैं ताकि आपको एक रिव्यू मिलता रहे चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली सीरीज़ हमारी DD मोटर, DD इन्वर्टर सीरीज़, डायरेक्ट ड्राइव, जो मैंने बता दिया कि मोटर डायरेक्टली कनेक्ट होती है टू द ड्रम, जिससे इसकी एफिशिएंसी, पावर, नॉइस वगैरह, पावर इंक्रीज हो जाती है, नॉइस रिड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, UV लाइट है इसके अंदर। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या अपने कपड़ों को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स जिन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट में घूमना फिरना है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्म्स और बीमारियों का खतरा है, तो वो कपड़ों पे लगेंगे, घर आएंगे, घर वालों को उससे खतरा है, तो वो इस मशीन को ज़रूर प्रेफर करें। वो इसके अंदर अपने कपड़े डालें, डिसइंफेक्ट करें थ्रू UV लाइट 99% तक बैक्टीरिया के। ठीक है, तो आपके कपड़े जो डिसइंफेक्ट, आपको गर्म पानी में डाल के
या उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स लगा के उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, उसकी हैसल से आप खुद निजात मिल जाएगी इस मशीन के जरिए। तो सबसे टॉप मशीन, हाई एंड मशीन हमारी फ्रंट लोड की ये है, 876 सीरीज, डीडी मोटर और यूवी लाइट के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना 826 सीरीज की, जो कि उससे एक स्टेप नीचे है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इस मशीन में कुछ कमी है। ये भी इन्वर्टर मोटर के साथ है। टीडी मोटर और इन्वर्टर मोटर में आपसे सवाल किया जाता होगा कि जी क्या डिफरेंस है, या नॉर्मल मोटर में और इन्वर्टर मोटर में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल मोटर एसी मोटर होती है, जिसके अंदर करंट प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जो मूविंग पार्ट है उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और कुछ अर्से के बाद उसके जो ब्रशेज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन्वर्टर मोटर के अंदर ब्रशेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसे मैग्नेटिकली दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और हवा के अंदर ये रोटेट कर रही है मोटर, जिसके अंदर फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फ्रिक्शन इस पर नहीं लग रही और ये फ्रीली मूव करती है, इसकी वाइब्रेशन और नॉइस कम हो जाती है इसकी वजह से। तो हालांकि तमाम फ्रंट लोड मशीनें मिनिमम मिनिमम इन्वर्टर मोटर के साथ आती हैं, वो तो डायरेक्ट ड्राइव थी और ये इन्वर्टर के साथ है, कोई मशीन नॉर्मल मोटर के साथ नहीं है। ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है कंपेटिटर्स के ऊपर, कंपेटिटर्स नॉर्मल मोटर और इन्वर्टर मोटर के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि तमाम मशीनें सिर्फ इन्वर्टर मोटर और डायरेक्ट ड्राइव के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो कि हायर की वॉशिंग मशीनों के अंदर फ्रंट लोड के अंदर आती है, वो है लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है, ये भी हायर को नंबर वन बनाने की एक R&D टीम की एक डेवलपमेंट थी। नॉर्मली जो ड्रम पंच किया जाता है उसको इस तरह साथ मिला के तो उसको ऐसे क्लिप करते हैं जिससे कि ड्रम तैयार हो जाता है। अब इस ड्रम की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, नंबर टू इसके बीच में जो गैप्स आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जब कपड़ा उसके अंदर लगता है कोई डेलिकेट क्लोथ तो उसके ऊपर से बुर निकलना या वो डैमेज हो जाना, उसकी स्मूदनेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन हायर की तमाम वॉशिंग मशीनें लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती हैं, जिसके अंदर इसका जो गैप था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ड्रम की तरफ से भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसमें मसला आएगा या वो आपके कपड़ों को डैमेज करेगा। तो इन्वर्टर मोटर के साथ है, लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से इसका ड्रम बिल्ड किया गया है और इंटरनली इसके अंदर डुअल स्प्रे का फीचर है, जो कि कोई भी फॉर्म अगर इसके दरवाजे पे, डोर पे, ग्लास पे जमा होता है तो यहाँ पे एक स्प्रे लगा हुआ जो कि पानी बहाएगा, जो इस सारे के सारे फॉर्म को निकाल के मशीन के अंदर ले जाएगा। तो वो जो एक मसला था कि जी वॉशिंग के दौरान सर्फ लग जाता है और फिर उसमें मट्टी आ जाती है और सारी की सारी वॉशिंग का काम वेस्ट हो जाता है, तो इस मशीन में वो हल कर दिया जाता है। तो 826 सीरीज है, टच पैनल, इन्वर्टर मोटर और लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है और डबल स्प्रे के साथ। और इसके अलावा जो हमारा एक बेसिक मॉडल है 829 सीरीज, डिजिटल पैनल के साथ आता है, ये भी इन्वर्टर मोटर है, ये भी लेज़र टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है, लेकिन इसको बेसिक इसलिए कहते हैं कि जो यूज़र अभी फ्रंट लोड नई नई इस्तेमाल करना चाहता है और वो चाहता है कि वो देखे कि फ्रंट लोड के क्या पर्क्स हैं, तो वो 829 सीरीज पे आ सकता है। फ्रंट लोड बेसिकली टॉप लोड से बेहतर ऐसे है कि टॉप लोड की वॉशिंग इंटायरली डिफरेंट है, फ्रंट लोड की वॉशिंग इंटायरली डिफरेंट है। इसके अंदर कपड़ों को हाइट पे लेके जाया जाता है, वहाँ से ड्रॉप किया जाता है और इसके ज़रिए जो एक वो धूबी पटका है वो लगा के कपड़ों को वॉश किया जाता है, जिसमें पानी की बचत हो जाती है, कपड़े बेहतर तरीके से वॉश होते हैं, जल्दी वॉश होते हैं। तो ये सारे फ्रंट लोड के एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी टॉप लोड सीरीज की। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे नंबर वन जो चीज़ आज हम प्रमोट करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, हैंड वॉश टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी वो मशीन है 8517-08, जिसके अंदर हैंड वॉश टेक्नोलॉजी है, स्पेशल प्रमोशन लगी हुई है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कंज्यूमर्स को। सबसे पहली चीज़ वही हैंड वॉश क्या करता है, ड्रम एक तरफ रोटेट करेगा, पल्सेटर दूसरी तरफ रोटेट करेगा और एक हैंड वॉश लाइक जो एक फ्रिक्शन लगती है कपड़ों पे वो इसके अंदर प्रोड्यूस की जाएगी। उसके अलावा इजी ऑपरेशन, नया यूज़र भी अगर है जिसको कुछ नहीं पता फ्रंट लोड या टॉप लोड या ऑटोमेटिक मशीन के बारे में, वो भी इसको यूज़ करेगा, सिंपली पावर बटन दबाएँ, कपड़े डालें, सर्फ डालें, लिड बंद करें और स्टार्ट का बटन दबा के अपने रूम में जाकर बैठ जाएं। ठीक है, तो ये फ्रंट, ये टॉप लोड या फुली ऑटोमेटिक मशीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आप कंज्यूमर को बता सकते हैं।
और प्राइस 36,000। यानी अगर कोई कंज्यूमर मार्केट में आता है एक टॉप ट्विन टब वॉशिंग मशीन लेने के लिए, वो उसका जहन होगा कि वो 25,000 से 28,000 के बीच में एक मशीन लेकर जा सकता है घर। तो अगर वो उसमें थोड़े से पैसे ऐड करे तो उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, ये आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब कहाँ आप एक टब में वॉश करते हैं, फिर निकाल के उसको खंगालते हैं, फिर उसको स्पिन करते हैं, तो ये 3-4 कामों के लिए आपको सर पे खड़े रहना पड़ता है मशीन के, और आपका सारा दिन वेस्ट होता है। आपका नहीं, मतलब जो आपकी वाइफ हैं या जो आपकी बहन हैं, माए, तो उनका वेस्ट होता है। तो उनका टाइम बचाने के लिए, उनकी एफर्ट बचाने के लिए आप उन्हें रिकमेंड करें अपने कंज्यूमर को कि ऑटोमेटिक मशीन की तरफ शिफ्ट हो जाए इसके कि आप टॉप ट्विन टब या सिंगल टब परचेज करें। तो हैंड वॉश मशीन, हैंड वॉश लाइक इफेक्ट पैदा होता है, और फजी लॉजिक इसका डिसाइड करता है कि कितना पानी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें मशीन खुद ही करेगी, वॉशिंग भी करेगी, रिंसिंग भी करेगी, स्पिनिंग भी करेगी, और आप उसकी हैसियत बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा 91789 स्टार मॉडल है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को पता है कि इसकी सेल कितनी ज़बरदस्त है। और उसकी रीजंस, इसकी आउटलुक, इसका ग्लास पैनल, इसका ये डेलिकेट सा जो डिस्पेंसर है, किसी मशीन में इस तरह का डिस्पेंसर नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें इसको ज़रा प्रीमियम लुक देती हैं और प्रीमियम मशीन बना देती हैं। अदरवाइज़ वॉशिंग में ये भी बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, 9 kg की है, और मेरा नहीं ख्याल इसके बारे में कुछ एडिशनल आपको बताने की ज़रूरत है, ये आप लोग वैसे ही बड़ी अच्छी सेल कर लेते हैं, कंज्यूमर को पसंद है। नेक्स्ट इज़ 1678 सीरीज़ 1678, इसको स्टॉर्म वॉश कहा जाता है। ख़ास चीज़ इसका पैनल है जो कि रोटेटिंग नॉब के साथ आता है, जैसे कि फ्रंट लोड मशीन्स के अंदर है कि उसके अंदर प्रोग्राम सिलेक्शन एक इजी वे नॉब को रोटेट करके आप प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर भी इस नॉब की घुमाने से आप इस सारे प्रोग्राम से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। 16 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर किसी भी मशीन से सबसे ज़्यादा, और बड़ा एलिगेंट सा टच पैनल है, टच नहीं है, और पिलो ड्रम आता है 12 kg और 15 kg के अंदर। पिलो ड्रम के भी मैं एडवांटेज बता दूं, जैसे कि लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का था ना कि उसके अंदर गैप्स बड़े कम हैं और जो कपड़े लगते हैं और फ्रिक्शन आती है उसकी वजह से ख़राब होते हैं, तो पिलो ड्रम भी इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसके अंदर भी इस ये कुछ बल्जेस बने होते हैं, उभार से हैं, सॉफ्ट से, ये इसके ऊपर जब कपड़ा गुजरेगा तो वो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन जो है वो कम लगेगी। और दूसरे नंबर पे ये जो माइक्रो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मशीन के अंदर, इनके अंदर से पानी जो है वो जेट की तरह निकलता है, ठीक है, और कपड़ों के अंदर झाग को और सर्फ को पेनिट्रेट करवाता है जिससे उसकी वॉशिंग बेहतर हो जाती है। तो स्टॉम वॉश के अंदर या पिलो ड्रम के अंदर स्पेशली जिस जिस मशीन में 12 kg और 15 kg की तमाम मशीनों में पिलो ड्रम मौजूद है, तो वो सारों की वॉशिंग 8 kg से इस वजह से भी थोड़ी बेहतर है। और लास्टली जो हमारा रीसेंट मॉडल है 866, टच पैनल के साथ है, PD मोटर के साथ है, और 360 वाटरफॉल के साथ है। आप लोग अक्सर इसके बारे में पूछते हैं कि जी ये मशीन की खासियत क्या है, ये महंगी होने की वजह क्या है, तो अगर तो आप इसको सिर्फ एक दफ़ा देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी वाकई कोई चीज़ तो है, ये हायर की तमाम वॉशिंग मशीनों से ये डिफरेंट है, इसके अंदर कोई तो चीज़ है। सिर्फ आउटलुक की बात हो गई, उसके बाद अगर पहली चीज़ पैनल पे नज़र डालें तो टच पैनल है और वाटर प्रूफ टच पैनल है। आपके हाथों पे अगर पानी भी लगा है, आपके हाथ गीले भी हैं, तो आप इसको टच करेंगे तो ये ऑपरेट करेगा, नॉट लाइक मोबाइल फ़ोन्स के जिसके ऊपर अगर पानी लग जाए तो आप फिर उसका टच नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका टच पैनल वाटर प्रूफ है। और उससे आगे चलें तो इंटरनली उसी तरह से पिलो ड्रम का डिज़ाइन है और 360 वाटरफॉल के साथ है। 360 वाटरफॉल क्या चीज़ है कि वॉशिंग के दौरान सर्फ जो है वो झाग बन के ऊपर की तरफ आ जाता है और कपड़े नीचे घूमते रहते हैं, मशीनों में ये इशू आ सकता है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए इस मशीन में 360 वाटरफॉल है, एयर वेव फीचर, जिसके अंदर क्या करेगा कि मशीन तेज़ी से घूमेगी और उसका पानी जो है वो ऊपर ड्रम से मशीन के अंदर गिरेगा। ये 360 वाटर का जो गिरना है इसके ऊपर, ये उस झाग को वापस कपड़ों के अंदर लेके जाएगा और उनकी वॉशिंग को और ज़्यादा तेज़ कर देगा, इसी तरह से रिंसिंग भी तेज़ कर देगा। उसके अलावा डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ आती है मशीन, यानी कि जो फीचर्स फ्रंट लोड मशीन के थे कि डायरेक्ट ड्राइव मोटर कनेक्टेड है ड्रम के साथ, पावर ज़्यादा और एफिशिएंसी ज़्यादा और नॉइस और वाइब्रेशन शोर सब कुछ कम, तो ये इस मशीन के अंदर है।
भाई कि ये वो मशीन है कि जो टॉप लोड और फ्रंट लोड का मिक्सचर है, दोनों चीज़ों की जो अच्छी चीज़ें हैं, टॉप लोड की और फ्रंट लोड की जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको मिला के ये एक मॉडल तैयार किया गया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जस्टिफाइबल है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक प्रीमियम मशीन बाय करें, एक अच्छी मशीन बाय करें और एक क्लासी मशीन बाय करें, जैसे कि आपको मिला। तो ये हमारा एक लाइनअप था, मैंने आपको टॉप की चीज़ें भी बता दी कि क्या है हैंड वॉश टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ है, और एक प्रमोशन जो हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, उसका बड़ा पॉजिटिव हमें फीडबैक भी मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ऐप को प्रमोट करें। कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमें कमेंट में डाल दें, तो हम आपके क्वेश्चंस क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।